हरे कृष्णा। तो आज हम द्वारका धाम में हैं और इस द्वारका धाम में किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आगमन होता है ये गर्ग संहिता में वर्णित किया है और ये बताया गया है कि किसी कल्प में श्रीमती राधा रानी द्वारका धाम में अपने सभी सखियों समेत और भगवान के जो सखागण हैं उनके समेत आए थे। तो द्वारका में एक स्थान था जिसका नाम था सिद्धाश्रम। अभी वो स्थान लुप्त हो गया है समय के साथ, परंतु ये बहुत अद्भुत लीला है जिसके द्वारा ये स्थापित किया है कि राधा रानी का जो स्थान है सभी से सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी ने जब अपनी सखी चंद्रनना के माध्यम से सुना सिद्धाश्रम की महिमा, तो राधा रानी अपने सभी सखियों को लेकर यहाँ द्वारका में पहुँचती है। कई गोपगण आते हैं और सिद्धाश्रम में जो सरोवर था उसमें स्नान करने लगती है। चारों ओर भगवान के सखागण अपने हाथ में लाठी लेकर तत्पर रहते हैं और सभी को उस स्थान से दूर रखते हैं। तो भगवान को भी जब पता चला तो भगवान सभी रानियों को लेकर सिद्धाश्रम में पहुँचे और सिद्धाश्रम में पहुँचे जो भी व्यक्ति द्वारकावासी स्नान के लिए उस तरफ जाता था तो सभी ग्वाल उनको लाठियों से मारकर वहाँ से भगा देते थे। तो रानियों में सत्यभामा ने पूछा कि कौन है वो जो स्नान कर रही है रूपवती, तो भगवान कृष्ण ने कहा वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है जो वहाँ स्नान कर रही है, जिनका अद्भुत लावण्य और सेवा की भावना प्रेम की भावना मेरे प्रति सर्वोच्च है। तो जब सत्यभामा ने ये सोचा तो सत्यभामा को एक घमंड था कि मुझसे अधिक सौंदर्यशाली कोई नहीं है, मेरे कारण ही शमंतक मणि प्राप्त हुआ है, मेरे कारण ही शतधन्वा का वध हुआ था, मेरे कारण ही अक्रूर को पलायन करना पड़ा। तो ऐसी कई चीज़ें सत्यभामा ने कही और कहा कि मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ, मैं ही रूपवती हूँ, मैं ही लावण्य सुंदरी हूँ। तो ये उनको अपने सौंदर्य का अहंकार था, तो उनके हृदय में ये भावना हो गई कि मैं एक बार श्रीमती राधा रानी को देखना चाहती हूँ। तो उस समय सभी रानियाँ तत्पर हो गई और भगवान के साथ उन्होंने एक साथ सामने श्रीमती राधा रानी को सिद्धाश्रम में देखा। जैसे ही सत्यभामा ने राधा रानी को देखा तो ये सत्यभामा तुरंत ही राधा रानी के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जाती है, गिर पड़ती है और रुक्मिणी उनको उठाती है। तब सत्यभामा को पता चलता है कि राधा रानी ही सर्वोच्च है और राधा रानी ही सबसे सुंदर है, जिनके प्रति भगवान का जो आकर्षण है सर्वाधिक है। तो राधा रानी उस समय यहाँ रही, भगवान कृष्ण ने उनको एक स्थान में निवास कराया और रुक्मिणी जब कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई कृष्ण के पास तो देखा बहुत लेट हो गया है, लेकिन भगवान कृष्ण अभी विश्राम नहीं कर रहे हैं। तो उस समय रुक्मिणी ने पूछा कि आप विश्राम क्यों नहीं कर रहे अभी, तो उन्होंने कहा राधा रानी को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो दुग्ध पान करती है शयन करने के पूर्व, तो आप जाओ उनको दुग्ध दे दो और वापस आ जाओ। तो रुक्मिणी बहुत ही सुंदर पात्र में ग्लास में दूध लेके जाती है, राधा रानी को प्रदान करती है और वापस जब आती है और भगवान के चरणों का मसाज करने लगती है, चरणों की सेवा करने लगती है। तो रुक्मिणी देखती है कि चरण कमलों में भगवान के छाले पड़े हुए हैं, तो पूछते कि हे कृष्ण आप तो चले नहीं, कहाँ किसी तप्त स्थान में गए नहीं, तो फिर कैसे ये आपके चरणों में छाले पड़े हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे जो चरण है वो सदैव राधा रानी के हृदय में विराजमान होते हैं। तो वहाँ कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी के हृदय में मेरे जो हृदयारविंदम पदारविंदम विराजते में, मेरे जो चरण कमल है वो राधा रानी के हृदय में विराजमान होते हैं और आपने आज क्या किया है, अति उष्ण दुग्ध बहुत गर्म दूध आपने उनको पिलाया है जिसके कारण मेरे चरण कमल उनके हृदय में निवास करते हैं, जिसके कारण मेरे चरणों में छाले पड़े हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी अवाक हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। भगवान कहते कभी भी मेरे चरण कमल राधा रानी के हृदय से अलग नहीं होते हैं, नित्य रूप से वहाँ विराजित होते हैं। तो रुक्मिणी देवी ये समझ लेती है कि राधा रानी का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और राधा रानी भगवान के प्रति राधा रानी का जो प्रेम है सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में वर्णन आया है कि श्री राधिका ये सर्वोत्तम है, सर्वाधिका, राधिका सर्वाधिका,
राधिका सभी रानियों में, सभी गोपिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है और उनकी सेवा की भावना सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, आप कृष्ण को एक फूल अर्पित करना चाहते हो तो आप क्या करो, राधा रानी के हाथ में दो। जैसे आप राधा रानी के हाथ में फूल दोगे, वो कृष्ण को अर्पित करेगी, कृष्ण उसको मना नहीं करेंगे। तो हमारा ये संप्रदाय है, राधा रानी के माध्यम से ही हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।